चलिए रोड को चूना लगाते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, जो इस रोड को बना रहा है शायद वो ठेकेदार ऐसा अपने मन में कह रहा होगा। रुको जरा, सबर करो। तो देखिए रोड को चूना कैसे लगाते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखने से ये लग रहा है कि ये 9 इंच या शायद 1 फुट है। हमारे पास इंची टेप नहीं है, नाप के दिखा देते। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, आप ये देखिए ये कितना है, ये शायद 6 या 7 इंच है। तो रोड को चूना इस तरह से लगाते हैं। और अगर मल्टी चूना लगाना है, चूना लगाने का प्रो बनना है, तो देखिए और किस तरह से लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है मसाला, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इसके नीचे देख पा रहे हैं ये मिलावटी मसाला है। जी हाँ, इस तरह से चूना लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ एक शख्स है, सारा गलत, ये जितना भी है सब घोटाले का काम हो रहा है। पहली सड़क 2 साल पहले बनी थी, दोबारा तोड़ के फिर बनाई जा रही है। ये पैसा कमाने के लिए सारा काम, ये ठेकेदार भी कमा रहे हैं और नगर निगम के अफसर भी कमा रहे हैं। डर नहीं लगता इस तरह से बोल रहे हो? मैं खुल के बोलता हूँ, पूरे शहर के अंदर खुदाई करके रख दिया, नाश कर दिया पूरे शहर के अंदर। किसने नाश किया है? ये सरकार ने नाश। कौन सी सरकार ने? भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार ने नाश? बिल्कुल भाजपा सरकार ने किया है। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश नारक, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। वोट किसे दिया था? वोट जिसको मर्जी दे। नहीं, बताओ किसे दिया था। मैं हूँ भाजपा का। भाजपा? लेकिन मैं कहूँगा भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है। ये देखिए ये आम आदमी है और बकायदा देखिए रिक्शा है, रिक्शा को वहाँ पर रोक कर यहाँ पर आए और अपनी बात को बोल कर गए। देखने वाली बात होगी, सरकार क्यों नहीं देख रही है? आम आदमी ही बताएगी, क्या हम जैसे लोग ही आपको बताएंगे? क्या आपको ये नजर नहीं आता कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्कार, जो भी हरियाणा रिपब्लिक के दर्शक है उनसे मेरा नमस्कार। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, विभिन्न जगहों पर जाके नगर निगम के द्वारा काम चले हुए हैं रोड बनाने के और ड्रेन बनाने के, और उसी को लेकर के हम निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं। आप देखते भी रहते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। फिलहाल ये रोड जाके 3 वार्ड का बन रहा है, जो कि सरला की दुकान से लेकर के और जो पाउज हॉस्पिटल है वहाँ तक ये जाएगा। CC का रोड बन रहा है और इसको लेकर मैं खामियाँ बता दूँ क्या कुछ है यहाँ पर, क्योंकि शायद वो ठेकेदार तो नहीं जानता होगा जिसने ठेका लिया इसका, कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ लगानी होती है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये सबसे पहले जो काम है यहाँ पर ड्रेसिंग के बाद एक पोलोथीन बिछानी होती है, जो ज़मीन आप देख रहे हैं इसके नीचे पोलोथीन बिछती है, जिससे कि सीलन उस रोड को ख़राब ना करे। वो पोलोथीन नहीं बिछाई गई यहाँ पर। दूसरी बात होती है कि CC यहाँ पर होनी चाहिए 3 इंची मान के चलें, उसके बाद 9 इंच जो है कि पर जो है कि मसाला RCC का डलना चाहिए। फिलहाल इनकी कारागिरी देखिए, आपको पवन जी कारागिरी दिखा दूँ इन भाइयों की। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड इन्होंने लगा दिया है मट्टी खोद करके यहाँ पर। इस बोर्ड की ऊंचाई है आप देख रहे हैं 12 इंच, यानी कि 1 फुट टोटल इसका जो माल डलना चाहिए वो 1 फुट डलना चाहिए, 3 इंची वो PCC और 9 इंची माल। इनकी कलाकारी देखिए, इन्होंने 3 इंची तो नीचे कर दिया इसको बोर्ड को। ये इसका समतल भाग है और यहाँ पे 10 इंची आ गया, 9 इंची 10 इंची ये आ गया बोर्ड। तो मतलब 3 इंची तो मट्टी में दब गया बोर्ड, 3 इंची जो PCC वो चली गई। माल डालना चाहिए 9 इंची, तो उन्होंने 6 इंची माल डाल करके इसको काम को कंप्लीट कर दिया। इनकी तरफ से फाइनल हो चुका और इसकी पेमेंट भी इनको मिल जाएगी, क्योंकि निगम के जो अधिकारी वो भ्रष्ट है, जैसा कि अभी पत्र के माध्यम से और जो पंचकूला से चंडीगढ़ से जो लेटर आए उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन चुका है नगर निगम। फिलहाल जो है कि MC है इस वार्ड की, 3 वार्ड की, जो अंजलि शर्मा जी, जो स्वर्गीय श्री हरीश शर्मा जी की बेटी है, उनसे भी हमने बातचीत की है। उनका भी कहना है कि भाई इसमें जो है कि गहनता से जाँच की जाएगी, ठेकेदार से पूछा जाएगा कि क्या कुछ खामियाँ हैं। और एक बात बता दूँ आपको पवन जी, क्योंकि जो 3 इंची PCC होती है ना, उसको ये लोग क्या करते हैं, साइड में तो कर देते हैं पूरा 3 इंची, बीच में उसकी हाइट बढ़ा देते हैं और उसको टेपर कर देते हैं। चेक करनी है साइड से, जब बीच से चेक होगी तो मामला कुछ और निकलेगा। तो कहने का मतलब काफ़ी घोटाले घपले यहाँ पर चले हुए हैं। अगर हम घर में भी लंटर डालते हैं ना, तो उसमें भी पॉलीथीन डालते हैं, तो अगर ये सड़क बन रही है तो इसमें भी पॉलीथीन डालना चाहिए। हाँ जी, यहीं रहते हैं। तो ये काम कब होता है? रात को ही होता है। आपने पॉलीथीन देखा कभी रात में, रात आते जाते? रात को तो भाई साहब 12 बजे काम शुरू करते, कौन देखने आएगा? 12:30 बजे रातों में काम करते हैं ये? 12 बजे आते हैं रात को, 11-12 बजे शुरू हो जाता है। ये रोड ठीक बन रहा है यहाँ पर, देखने से क्या लग रहा है? अब देखो जी, हमें तो इसी में मालूम नहीं है क्या डालते हैं क्या, देख के मतलब मजा आ रहा है? देख के तो काम अभी संतुष्टि तो है नहीं।
नहीं है ना संतुष्टि तो है तुम्हारा? मेरा नाम प्रवीण है। क्या है कि अगर 3 इंची पीसीसी होती मतलब 75 mm हो गई, अभी भाई साहब 4 इंची कह रहे हैं, इनको भी ये नहीं पता कि एमएम क्या होता है, ये काम कर रहे हैं पर मैंने नहीं कहा तुम्हें एमएम क्या होता है पता नहीं, मैं रहा एमएम में नहीं पता मुझे कितना रहा, तो मैं नहीं पता 4 इंची दिखा दूंगा कहीं से निकाल के दिखा दूंगा। एमएम क्या होता है, एमएम पता है क्या होता है? अरे पता क्या बताऊं तुम्हें, बताओ ना इंजीनियर से बात कर लो ना, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, लेवर के बंदे मैं तो पूछा ना आपसे क्या कर रहे हो, ये बोर्ड करेगा।